देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफे उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में, आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे, और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। अली साहब, इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? क्या बात हुई होगी, और आप समझ क्या आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी नहीं है सब कुछ जो हो रहा है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका मामला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टानेजाई जो है, जिसके साथ दोहा का इंडियन एम्बेसडर जो दोहा है जिससे वो बात कर रहा है, ये 1980 में हिंदुस्तान जाके या ये पनाह लिया था या वो खुशी से गया है उधर काम करने के लिए। बहरहाल काफ़ी साल इसने हिंदुस्तान में गुजारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदुस्तानियों को अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी बात ये है, अमेरिकन इंडियन का इंटरेस्ट ये है कि अपने जो जासूस हैं या अफगानियों को जो वो ख़रीद के रखे थे या TTP के साथ जो उनका गठजोड़ था, वो उसके पेपर्स और उसका रिकॉर्ड्स जो इस वक्त NDS में है और जो लोग कहते हैं तालिबान के हाथ में आ गया है और इंशाल्लाह हमारे हाथ में आना चाहिए, या ये जासूस जो हैं हिंदुस्तान के अफगान और शायद कोई इंडियंस भी अगर उधर रह गए हैं, इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया जो पैनिक में भागा है उधर से 1-1.5 प्लेन लेके, वो चाहते हैं इनको तालिबान ठीक तरीके से हैंडल करें, और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन है हम उनको भेज देंगे और ऐसे कुछ लोग हैं इनको भी भेज देंगे उनके साथ कुछ मामला हो। मगर इससे भी ज़्यादा जो मुझे फिक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में, आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे, और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया प्रेशर, अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से कि भाई हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम आपके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त पे कि हमें लैंड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपको एक्सेस मिला है इंडिया का, पाकिस्तान ने हमें तो इंडिया से एक्सेस आपको ना दिया है, तो हम कैसे आए, कैसे इन्वेस्ट करें जब तक ये ना हो, तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है, ये खेल इंडिया पर्स्यू करेगा और अफगानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा, और अब देखना ये चाहिए, हमने तो कहा है कि जब तक कश्मीर का जो स्टेप्स वापस ना लो तो कोई किस्म का कोऑपरेशन और एक्सेस इंडिया को हम नहीं दे सकते। वेल, देखें ये भी एक किस्म का प्रेशर होगा जिस पे हमारे पे होगा ये। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? सीधी सादी बात यह है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जो मकसद जो मतलब है वो करे कश्मीर में, जो जिस किस्म के BLA और किस्म के टेररिस्ट को वो फाइनेंस करके पाकिस्तान भेजे फ्रॉम अफगानिस्तान, इसका मतलब ये है कि आप और अमरीका गनी में फर्क क्या है मिस्टर तालिबान?
फर्क नहीं है ना। फिर आप कहते हैं इनको सब चीज दे दो, ये हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, और जब इनके लोग आएंगे आपके लिए काम करेंगे और उधर से उनके जासूस पनपेंगे और आएंगे, आप कहेंगे नहीं हमारा और आपका फिर ये लड़ाई होगी। आप कहेंगे नहीं 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 ये आयरन और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड। हम तो किसी सूरत में इनको एक्सेस नहीं देंगे जब तक इन्होंने जो इलीगैलिटीज किया है कश्मीर में उसको वापस ना ले। दिस इज आवर स्टेटेड पॉलिसी। तो माफ करिए, मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी, देखिए 10-12 दिन तो हो गए हैं ना, 4-5 पाकिस्तानी जवान अफसर मारे गए हैं, अफगानिस्तान से अटैक हुए हैं, अफगानिस्तान से स्नाइपिंग हुई है, अभी जो दो लोग मरे हैं कल, तो इसका माने क्या? अच्छा, लोग कहते हैं नहीं नहीं इनको वक्त दें, इनका अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं वो एरियाज तो हर वक्त तालिबान के कंट्रोल में थे, वो एरियाज गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहले भी नहीं थे, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा? और फिर मैं आपको कहता हूं, जब हमने कंप्लेन किया, वह कंप्लेन नहीं किया, जब ये हुआ तो क्या उधर से क्या खबर आई? कहने लगे जाओ बात करो TTP से, ये तुम्हारा और TTP का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। वाह, माने TTP हमारा जानी दुश्मन उधर से अटैक कर रहा है और आपने हमें कहा है कि ये आप नहीं चाहेंगे, चलिए ठीक है, हम 2 हफ्ते नहीं, हम 2 महीने ठहरने के लिए तैयार हैं, मगर इसके बाद अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, इसका मतलब ये है कि आप और उनमें हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात है आपकी। अलीना, व्हाट डू यू से, आपका क्या, आपके पास क्या इत्तलात है, बिकॉज यू हैव बीन मॉनिटरिंग ऑल दिस सिचुएशन एज वेल। तालिबान जो हैं वो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि उनकी अबूरी हुकूमत तो बन गई है। अब अबूरी हुकूमत में उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो अपने मेन लोगों को ही दी हैं, तो हम जो बात करते हैं एक मखलूत हुकूमत के हवाले से वो तो हमें फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मैं चाहूँगी कि ज़फ़र हलाली साहब अगर इस पर कॉमेंट करना चाहें तो प्लीज़। मैं समझता हूँ ये हुकूमत पर कि अफगानिस्तान में ये जी मैं समझता हूँ कि अब तालिबान ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान पे ये डेमोक्रेसी विमोक्रेसी कुछ नहीं चलेगा, ये कोई ईरानियन स्टाइल गवर्नमेंट चलेगा जिसमें उनका अमीर जो है, जो सरबरा है, वो सुप्रीम लीडर होगा और उसके नीचे काउंसिल, पार्लियामेंट, मजलिस, जो भी आप करते हैं, जिरगा जो भी होगा होगा, मगर उसका जो वोट होगा, उसका जो फैसला होगा, इट विल बी दी डिसीशन, जैसे इस वक्त ईरान में है, अथॉरिटेरियन स्टेट होगा, कोई डेमोक्रेसी वमोक्रेसी नहीं होगा। और इसलिए आई सपोर्ट देम, इसलिए कि क्या डेमोक्रेसी होगा? डेमोक्रेसी क्या इधर चल गया है, क्या हिंदुस्तान में चल रहा है? इस वक्त हिंदुस्तान में 50% लोग जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। देखिए वो सब बातें अलग है, वो हमारा मसला नहीं है, वो है मसला अफगानियों का, जिस किस्म का सिस्टम वो अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर एक बात हमारा सिर्फ है और वो रहेगा कि हमारे ज़मीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए 2 महीने बाद 3 महीने बाद, कुछ लोग हैं जो 6 महीने देना चाहते हैं, दे दें आप उनको, मगर अ टाइम हैज़ टू कम कि वो स्टॉप होना चाहिए उनकी मदद से, नहीं तो मैं कहता हूं अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है उनमें या गनी में। बड़ी आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि जो मैं भी देख रहा था, जो लिस्ट आ रही है जिसमें लोगों को जो बनाया जा रहा है, दिए जा रहे हैं, उसमें वजारत दाखला जो है वो सराजुद्दीन हकानी साहब को दिए जाने का इम्कान है, और हकानी नेटवर्क समझा ये जाता है कि पाकिस्तान के हवाले से उनके जो नज़रियात हैं वो खासे नरम हैं। तो अगर वजारत दाखला जो अंदरूनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी, इंटेलिजेंस को देखेगी, उस पर अगर कोई ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के हवाले से जिसके मामलात बेहतर हैं, तो वो हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं है ये फिर हिलाली साहब? वेरी गुड पॉइंट समी साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, और मैं खुश हूँ कि हक्कानी है, और कहा जाता है कि हक्कानी और हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात है, हक्कानी नेटवर्क के साथ, ये एक हक्कानी
whether he is the man responsible, pata nahi, lagta aisa hai. To agar wo baat karega TTP se na, wo TTP se baat karke kahega, it does not suit us. अफगानिस्तान को सूट नहीं करता है इस वक्त के तुम पाकिस्तान पे जाके करो तो मत करो, ठीक है, मगर वो फिर भी करेंगे. और अगर उन्होंने फिर कह दिया जब ये हो रहा है कि ये TTP नहीं है, ये दाइश है, वो हमारे भी दुश्मन है, फिर आप क्या कहेंगे.